तो एक और नए वीडियो के साथ हम लोग आ गए हैं। आज हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे यहाँ पर आईफोन 14 प्रो मैक्स का, और ये फ़ोन बहुत ही अच्छा है। तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है टेक्नो बीट में, आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ आईफोन, ये देखिए यहाँ पर सील है, तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स लिखी हुई है, इनको हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग अपने सील को ओपन कर लेते हैं, फिर यहाँ पर हमारा बॉक्स ओपन हो जाता है, हमें मिलता है हमारा फ़ोन। और फ़ोन का जो फर्स्ट लुक है वो काफ़ी अच्छा है देखने में। तो अगर आपको और भी ऐसे वीडियो देखने हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ से हम लोग इसको हटा लेते हैं और देखते हैं फ़ोन को ऑन करके कि यहाँ पर क्या क्या फीचर्स हम लोग को मिलते हैं। तो पहले फ़ोन को ऑन कर लेते हैं, इसकी डिटेल्स हम लोग फुल डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। बॉक्स में हम लोग को यहाँ पर मिल जाती है केबल्स, चार्जिंग केबल मिल जाती है, यहाँ पर क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने में लगती है, और पेपर वर्क में आप पेपर मिल जाते हैं आपको कुछ, साथ ही साथ स्टिकर्स देखने को मिलते हैं एप्पल की तरफ से। बॉक्स को करते हैं बंद और बात करते हैं फ़ोन के लुक्स की। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा लुक है, फ़ोन देखने में बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है। इसको मैं सेटअप कर लेता हूँ, लेकिन उससे पहले हम लोग बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पर आपको जो पावर मिलती है वो मिलती है एप्पल का A16 बायोनिक चिप, काफ़ी लेट सबसे लेटेस्ट है, 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन के साथ होता है। एप्पल का GPU मिल जाता है, रैम टाइप यहाँ पर आपको अपग्रेड मिलती है LPDDR5, स्टोरेज टाइप आपको NVMe मिल जाती है। AnTuTu स्कोर इसका 9.5 लाख के आसपास है, बहुत ज़्यादा है। और अगर डिस्प्ले की बात करें आपको 6.7 इंच की OLED डिस्प्ले मिल जाती है, 460 PPI पिक्सल डेंसिटी, 2000 nits की ब्राइटनेस, 120Hz का रिफ्रेश रेट, यहाँ पर सब कुछ बिल्कुल टॉप नॉच दिया गया है। तो ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। कैमरे की बात करें यहाँ पर तो आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 48 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो, और हमारा जो मेन कैमरा है वो आई सपोर्ट करता है। फ्रंट में आपको 12 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है जो कि वाइड एंगल है। यहाँ पर पावर की बात करें तो काफ़ी अच्छी है। बैटरी की बात करें तो आपको 4323 mAh की लिथियम आयन बैटरी मिल जाती है, क्विक चार्जिंग फ़ोन सपोर्ट करता है, वायरलेस चार्जिंग भी फ़ोन सपोर्ट करता है। यहाँ पर आपको 20W तक सपोर्ट देखने को मिलता है। कंपनी क्लेम करती है कि ओरिजिनल चार्जर के साथ 50% आपका 30 मिनट में चार्ज हो जाएगा मोबाइल फ़ोन। अगर हम नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर डुअल सिम आपको मिलता है, यहाँ पर एक सिम साइज़ फिजिकल है, दूसरा आपको ई सिम मिलेगा। नेटवर्क सपोर्ट में आपको 5G 4G 3G 2G देखने को मिल जाता है, वोल्टी सपोर्ट करता है, फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर नहीं मिलता है, ऑडियो जॉक आपको लाइटनिंग मिल जाता है। प्राइस की बात करें तो इसका जो सबसे बेस वेरियंट है 6GB प्लस 128GB वो आपको तकरीबन 1,40,000 का मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।